Brought to you by Techno Camon 30 series. दरभंगा लोकसभा की सीट चुनाव संपन्न हो गए। दरभंगा पर सबकी नजर यहां से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर उम्मीदवार, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने ललित यादव को उम्मीदवार बनाया। ललित यादव लालू यादव के परिवार के खासे करीब। गोपाल जी ठाकुर भी बीजेपी के एक तरीके से कहें तो एक्टिव नेताओं में से एक, जो दरभंगा में लगातार प्रयासरत रहे हैं। पीएम मोदी की यहां पर रैली थी, उस रैली में भी अच्छी खासी भीड़ दिखी और ये रैली ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले ही हुई। चुनाव का शोर थमने वाला था जब दरभंगा में ठीक उसके पहले पीएम मोदी की एक रैली हुई और चुनाव के एक दिन पहले पीएम मोदी का पटना में रोड शो हुआ। इस रोड शो का भी इस चुनाव पे काफी असर पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दरभंगा में तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं ने जरूर यहां पर कड़ी टक्कर दी। गोपाल जी ठाकुर के लिए दरभंगा इस बार आसान नहीं दिखता। गोपाल जी ठाकुर के लिए मुश्किल जरूर खड़ी की ललित यादव ने इस बार, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, 5 किलो अनाज बीजेपी के पक्ष में यहां काम करता नजर आ रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि इस लोकसभा चुनाव में दरभंगा की सीट पर गोपाल जी ठाकुर को एज जरूर मिल रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये, एक तो ब्राह्मणों का मत इनके साथ जा रहा है, दूसरी बड़ी बात ये कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काम कर गया है, तीसरी बड़ी बात ये कि इस क्षेत्र में सीधी लड़ाई गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव के बीच में थी। सीधी लड़ाई में वोटर इंटैक्ट दिखे, हालांकि यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में वोट करते हुए दिखे। आरजेडी की कोशिश थी कि इस क्षेत्र में भी चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड किया जाए, लेकिन यहां पर अति पिछड़ा का वोट बैंक जेडीयू के साथ रहा, बीजेपी के साथ, यानी कि इस क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में मतदान होता हुआ दिखा। अगर आप देखें इस पूरे चुनाव के पैटर्न को तो पीएम मोदी की रैली, रोड शो और 5 किलो अनाज बीजेपी की योजना ने काम किया, जिसका फायदा गोपाल जी ठाकुर को मिलता हुआ दिख रहा है और बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि इस लोकसभा चुनाव में दरभंगा की सीट बीजेपी के पास रह जाएगी। बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की हर एक सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही 4 जून को सुबह से आप लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर।